भारतीय क्रिकेट टीम की स्वर्णिम चौकड़ी के नाम से प्रसिद्ध चार खिलाड़ियों में एक खिलाड़ी बिशन सिंह बेदी। बिशन सिंह बेदी का जन्म 25 सितंबर 1946 को तत्कालीन ब्रिटिश भारत वर्तमान भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में हुआ था। पिता का नाम ज्ञान सिंह बेदी। सेंट फ्रांसिस स्कूल अमृतसर से शिक्षा पूरी करने के बाद हिंदू कॉलेज अमृतसर से स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। बिशन सिंह बेदी जब 15 वर्ष के थे तब उत्तरी पंजाब टीम में चयनित हो गए। 1968 से 1969 में दिल्ली टीम के सदस्य बन गए। 1974 से 1975 सत्र में रणजी ट्रॉफी में रिकॉर्ड 64 विकेट लिए। 31 दिसंबर 1966 को कलकत्ता के ईडन गार्डन में वेस्ट इंडीज के विरुद्ध टेस्ट करियर का आगाज किया, जबकि अगस्त सितंबर 1979 द ओवल में इंग्लैंड के विरुद्ध अंतिम टेस्ट मैच खेला। कुल 67 टेस्ट मैचों में 266 विकेट लिए। पहले वनडे लॉर्ड्स में इंग्लैंड के विरुद्ध 13 जुलाई 1974 को पदार्पण किया, जबकि अंतिम वनडे मैच 16 जून 1979 को मैनचेस्टर में श्रीलंका के विरुद्ध खेला था। 10 वनडे मैच में 7 विकेट हासिल किए। बिशन सिंह बेदी 1972 से 1977 तक इंग्लिश काउंटी क्रिकेट नॉर्थम्पटन शायर टीम के हिस्सा रहे। 1981 में क्रिकेट के सभी संस्करण से संन्यास ले लिया। बिशन सिंह बेदी ने दो शादी की थी। पहली शादी ऑस्ट्रेलियन गर्ल ग्लेनिथ से किया। दोनों के एक बेटा व एक बेटी है। बेटे का नाम गवास इंदर सिंह रखा था। गवास शब्द सुनील गावस्कर के सरनेम गावस्कर से लिया गया था। बेटी का नाम गिल बेदी है। बिशन सिंह बेदी ने दूसरी शादी अंजू से की। दोनों के दो संतानें हैं। अंगद बेदी जो फिल्म अभिनेता है। अंगद बेदी का विवाह अभिनेत्री नेहा धूपिया से हुई। बेटी नेहा बेदी है। नेहा बेदी ने बिशन सिंह बेदी की बायोग्राफी को लिखा है। बिशन सिंह बेदी का निधन 23 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में हो गया। 1976 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बनाए गए। 1969 में भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। 1970 में पद्मश्री से सम्मानित किए गए। बिशन सिंह बेदी मनिंदर सिंह और मुरली कार्तिक के गुरु भी हैं। 1990 में भारतीय टीम के कोच रहे। 1990 में न्यूजीलैंड व इंग्लैंड दौरे पर भारतीय क्रिकेट टीम के मैनेजर भी बनाए गए। राष्ट्रीय चयनकर्ता भी रहे। घरेलू क्रिकेट में 370 मैचों में 1560 विकेट लिए।